नमस्कार, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बताएंगे आपको कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जो लिंक करने का जो डेट चल रहा था 31 मार्च 2021 जो कि सरकार ने बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया है, तो उसको आप घर बैठे खुद से कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आप इसको लिंक नहीं करेंगे तो क्या क्या परिणाम होंगे, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या आप खुद से कर सकते हैं। हाँ जी, आप मोबाइल फोन पे खुद से घर पे बैठ के कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेजेंगे, हम आपका लिंक कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आपका पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर www.incometaxindiafiling.gov.in पे। आइए आपके सामने स्क्रीन पे आपको व्यू कराते हैं हम कि आपके पास जो ये वेबसाइट है वो क्या है। वो देखिए www.incometaxindiafiling.gov.in पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप सामने देखिएगा कि आपके पास निकल के आ रहा है कि लिंक आधार, यहाँ पे राइट देख रहे हैं आप। तो लिंक आधार का आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, लिंक आधार सबसे फर्स्ट पे यहाँ पे, राइट। तो लिंक आधार पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसमें दो तीन चीज रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जाएगी। एक तो है पैन कार्ड, तो आप सामने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों को साथ में रखेंगे तो पैन कार्ड का में पैन नंबर आप यहां पे पुट अप करेंगे, जो भी आपका पैन नंबर होगा ABCD जो भी देख के आप वहां पे देख लेंगे, और आधार कार्ड का नंबर यहां पे डालेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड पे नंबर प्रिंट होगा वो प्रिंट करेंगे, वहां पे जो नाम आपका होगा वो नाम आप डालेंगे, राइट। और यहाँ पे आप आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विद UIDAI को टिक करेंगे और यहाँ जो कैपेचे कोड आ रहा है उसको आप डाल के क्या करोगे, सबमिट कर दोगे, राइट। तो बहुत सिंपल टेक्निक है आपका आधार कार्ड को पैन से लिंक करने का, जो कि गवर्नमेंट ने डेट को एक्सटेंड कर दिया है एक बार फिर से, क्योंकि कल जो 31 मार्च 2021 को वेबसाइट बिल्कुल क्रैश हो गया था, इवन हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भी प्रॉपरली फाइल नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने लास्ट आवर में रात को 7 से 8 बजे के बीच में ये डेट को एक्सटेंशन किया है, राइट। तो फिर भी आपके पास 3 महीने का अब ऑप्शन आ चुका है कि आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा ले। देखिए सर, ये 3 महीना का टाइम आप फिर से व्यतीत न करें, ऐसा हो सकता है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक ना हो पाए। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। पहला कारण हो सकता है आपके पैन कार्ड में जो नाम है वो आधार कार्ड में नाम से मिलता नहीं हो। दूसरा कारण, आपका डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड में है वो आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जो भी आपका सही डेटा है उसको करेक्ट कराएं। अगर आपका आधार गलत है तो सबसे पहले आधार सेंटर में जाएं, वहां से आप अपने आधार को डिटेल को सही करवाएं। अगर आपका पैन कार्ड गलत है तो पैन कार्ड में करेक्शन कराएं, क्योंकि इन सारे कामों में आपको 15 से 20 दिन 1 महीने का टाइम लग सकता है, तो इसलिए आप खाली ना बैठें, इस काम को निहायत कर लें। देखिए आपके इनकम टैक्स के साइट पे ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे बताई जा रही है कि यहाँ पे नोट में नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर एज पर पैन विल बी वैलिडेटेड अगेंस्ट योर आधार डिटेल। आपका नाम, आपका जन्म तिथि, आपका लिंग जो पैन कार्ड में है वो आधार कार्ड से मिलाया जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है, प्लीज इंश्योर दैट आधार नंबर एंड नेम एज पर आधार इज एग्जैक्टली एज सेम एज प्रिंटेड ऑन योर आधार कार्ड। तो सेम टू सेम होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका पैन आधार से लिंक नहीं हो पाएगा। अगर ये पैन आधार से आपका लिंक नहीं हो पाया तो बहुत सारे आपको फाइनेंशियल सुविधाएं मिलना बंद हो जाएगी। पहला, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। दूसरा, आप बैंक का लेन देन नहीं कर पाएंगे। जहां जहां आपको पैन की आवश्यकता होती है सरकार के द्वारा, वो मिलने वाली सारी सुविधाएं आपको बंद हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका पैन अमान्य हो जाएगा और आपको सरकार 1,000 से लेकर 10,000 तक जुर्माना भी लगा सकती है। एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि अगर आपका अभी तक पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो
प्लीज आप कर ले, अगर आप खुद से कर सकते हैं इसकी, जिसका मैंने प्रोसेस भी आपको बता दिया। अगर नहीं हो पाता है तो आप आस पड़ोस के लोगों से मदद भी ले सकते हैं, या आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी मदद लेके आपको जैसे संभव हो वैसे आप करा ले। तो एक छोटा सा अपडेट था, आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिनको इनकम टैक्स GST में अपडेट चाहिए होगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे नए अपडेट के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।